वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज, ये इंट्रो लंबा होने वाला है, मेरे को पता है आप ऑकवर्ड हो जाओगे। देखो फनी वीडियो सारे देख लेते हो, लाइफ का सवाल है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो प्लीज ये इंट्रो सुन लो, फिर पूरी वीडियो देख लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सीट्स का पता चल जाएगा, एंड आपको बाद में जो मैं PDF भी शो करके दिखाऊंगा, सीट मैट्रिक्स वगैरह सब आपको एक वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, लाइफ का सवाल है, कुछ नहीं जाएगा आपका, 10 मिनट के अंदर आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। एंड प्लीज मेरे को भी सपोर्ट कर देना, आप ये वीडियो सुन लो, ये अलग से क्लिप मैंने आगे ऐड की है ताकि क्योंकि कोई वीडियो छोड़ के चला ना जाए। हेलो गाइज, माई नेम इज देव और आप देख रहे हैं वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। मैं वेटनरी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बताना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर वीडियो में पूछते हो आप क्या करते हो, आप कौन हो, ऐसे वैसे। तो ये वीडियो के टॉपिक ये है कि राजू वास के फॉर्म आउट हो चुके हैं, ठीक है। राजू वास राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, जैसे हरियाणा में लुआस यूनिवर्सिटी है, पंजाब में गढ़वासी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में राजू वास यूनिवर्सिटी है, तनुवास तमिलनाडु में, ऐसे बहुत सारी हैं, डुआसू बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, इसके अंदर एडमिशन कैसे लेना है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, स्टेट कोटा में कितनी सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा में कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। आपको कहीं पे जाने की मतलब इसके बाद नीड नहीं पड़ेगी कि मैं इधर भी देख लूँ इधर भी देख लूँ, एक ही वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहना, एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाए इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप पूछ सकते हो। देखो सिंपल, पहले एक बात बता देता हूं आपको, देखो जो राजस्थान की है ना, मतलब जो जिनके पास राजस्थान का डोमिसिल है, ठीक है, वही इसमें पहले एडमिशन ले सकते हैं। मतलब स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं कॉलेज में, एक मैनेजमेंट की होती है, तो स्टेट के अंदर सभी राजस्थान वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर एडमिशन कैसे होगा, नीट की मेरिट, मतलब नीट बेस्ड है, नीट पे जो आपके मार्क्स आए उस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में कौन आएंगे, देखो मैनेजमेंट राजस्थान वाले स्टूडेंट्स तो आ ही सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में अब जो आप में से जिनके मार्क्स कम है, जिनको एडमिशन लेना है कि राजस्थान के किसी भी कॉलेज में जाना है, तो आप अगर अदर स्टेट के हो तो आप भर सकते हो फॉर्म, लेकिन ओनली फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स, जिनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। आपका बजट है तो आप भर सकते हो, बहुत बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आप प्राइवेट के लिए अगर आपको लेना है तो आप भर सकते हो। अगर कोई सोच रहा हो मेरे तो मतलब अच्छे मार्क्स हैं, मेरे को स्टेट में सीट चाहिए, अगर आप राजस्थान के हो तो डेफिनेटली आपकी सीट आपको मिल जाएगी। अगर आप अदर स्टेट के हो ना तो आपको VCI के थ्रू आना पड़ेगा, नहीं तो आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरो, वहां के लिए आप स्टेट में माने जाओगे, वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो VCI आएगा फॉर्म, वो वीडियो भी आएगी, वहां अप्लाई कर देना, ऑल इंडिया कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं। देखो समझ गए, बिल्कुल सिंपल, एक बार रिवाइंड और कर लो अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान के बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हो, और आप जो अदर स्टेट के हैं वो भी भर सकते हैं अगर उनको सिर्फ मैनेजमेंट की सीट चाहिए। आप बात करते हैं राजस्थान में सीट कितने टाइप की, देखो एक है गवर्नमेंट टाइप सीट जो स्टेट कोटा के बच्चे लेंगे, जिनकी फीस मान लो अप्रोक्सीमेट होगी फुल ईयर की 30,000, 50,000, 70,000, मतलब इतनी होती है गवर्नमेंट की। अब जो सेमी गवर्नमेंट इसमें टाइप एक सीट्स और आती हैं, उस सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट सीट्स के अंदर आपकी फीस लगेगी पर ईयर की 3 लाख, ठीक है। इसके अंदर मतलब जिनके मार्क्स इंटरमीडिएट हो, मान लो कट ऑफ जाती है जनरल की 540 पे, सबका सिलेक्शन होता है मतलब गवर्नमेंट में, तो किसी के जनरल वाले के बच्चे के अगर 100-150 नंबर कम है तो उसको मैनेजमेंट सीट का चार्ज नहीं किया जाता, मतलब सेमी गवर्नमेंट सीट दे दी जाती है अच्छे मार्क्स पे, तो वो उसकी फीस 3 लाख है, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा की फीस 5.5 लाख है हर कॉलेज की। अब इसके अंदर हॉस्टल चार्जेस अलग होते हैं एंड कुछ चार्जेस अलग होते हैं, वो सारे मिला के आपको डिग्री पड़ जाती है। तो देखो जिसको भी एडमिशन लेना है फॉर्म अप्लाई कर दो, और जिसको कोई प्रोसेस नहीं पता फॉर्म अप्लाई करने का, काउंसलिंग का कोई भी नहीं है, तो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको सब आपका करवा दूंगा, ठीक है। राजस्थान के अंदर जहां आपको एडमिशन लेना वहां आपका करवा देंगे, ठीक है। बजट के लिए वीडियो बनाई हुई है पहले राजस्थान का, कि कम से कम बजट का कॉलेज आपको 29 लाख विद हॉस्टल डिग्री का मिल जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 ईयर आपको पड़ेगा 5.65 लाख का विद हॉस्टल, विदाउट हॉस्टल आपको 4 लाख का मिलेगा, वीडियो बनी हुई है, ठीक है। ये मैंने काफी बड़ा इंट्रो दे दिया लेकिन बहुत काम का इंट्रो था, जिसने सुन लिया उसका फायदा हो जाएगा। अब आप ये आगे का वीडियो देख लो, कितनी सीट्स है, क्या फॉर्म मतलब कि लास्ट डेट कब है, सब आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। एंड प्लीज मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप वीडियो देख के चले जाते हो, काम की बात आपको जो बताता है आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। एंड अगर मैं यहीं पे लड़की होता, अगर मैं थोड़े से ऐसे ऐसे कर देता, नो गाइस तो आप मेरे को पता है आप
जो सब्सक्राइब नहीं करता वो भी सब्सक्राइब कर देता। तो यार सपोर्ट किया करो, अगर आपको कोई आपकी हेल्प कर रहा है इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अगर मैं आपको ठुमके मार के दिखाऊंगा आप डेफिनेटली सपोर्ट करोगे, बट ये कोई बात नहीं होती यार, आपकी हेल्प करता हूँ। राजस्थान में एडमिशन अब इनके इस वीडियो के थ्रू कितने लोगों को अपडेट मिली होगी, कई बैठे होंगे जिनको पता नहीं होगा, जो एडमिशन लेंगे प्राइवेट में उनकी हेल्प करूंगा। लोअर्स के जो हरियाणा में एडमिशन करवाए हैं मैंने विदाउट एनी चार्जेस, गढ़वासू में एडमिशन करवाए हैं विदाउट एनी चार्जेस, कितने लोगों को अपडेट दिए, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ मैं। वेटनरी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ अच्छी अच्छी, ठीक है। फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाती है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपका आपसे एक सब्सक्राइब भी मांगा है, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर सकते हो जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी। आपसे ज़्यादा तो कुछ ले ही नहीं रहे, बट आप भी समझा करिए, ठीक है। एंड अब ज़्यादा हो गया भाषण बहुत, पता है, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशनल बुकलेट है, लाइन से चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो एज लिमिट का रहता है, एज लिमिट आपके सामने लिखी हुई है, मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। एंड बाकी EWS SC ST के लिए थोड़ा सा कैंडिडेट 2006 से पहले बोर्न होना चाहिए, और मैक्सिमम एज नो अपर एज लिमिट, BBSC में कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मिनिमम 50% होने चाहिए आपके 12th क्लास के अंदर। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल EWS है मतलब SC ST है उनके 45 to 40। और ये साफ साफ लिखा हुआ है देखो, पहले RPBT होता था वो नहीं होगा, एडमिशन किस पे बेस्ड है, नीट पे बेस्ड है, नीट के जो मार्क्स हैं उस पे मेरिट बेस्ड पे। अब बात करते हैं जो मेन राजुआस बीकानेर है उसका, इसके अंदर देखो 100 सीट हैं, ठीक है, 100 के अंदर 50 रेगुलर सीट हैं, 45 पेमेंट सीट है, 5 NRI की है। अब 50 रेगुलर का मतलब है जो गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, पेमेंट सीट जो मतलब मैनेजमेंट कोटा होगी, जो मतलब जो मैंने आपको पहले बताया सेमी गवर्नमेंट टाइप, कुछ मैनेजमेंट टाइप, उसके अंदर ऐसे करके है इसके अंदर जो सीट्स हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ रेगुलर सीट नीट से भरेंगी 15% ऑल इंडिया जो VCI के फॉर्म आएंगे वहाँ से भरेगी 15% सीट्स, ठीक है। और जो पेमेंट सीट्स हैं वो भी नीट से ही भरेंगी। आप शुरू होगा एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी कॉलेज हैं, सबसे पहले राजुआस बीकानेर वाली, उसके बाद लाइन से जो इसके अंडर कॉलेज आते हैं, जितने राजस्थान में कॉलेज हैं। कोई कहता है ना राजस्थान में कॉलेज कितने हैं, अब देखो YouTube मेरी वीडियो वायरल करता है नहीं, अगर 500-600 व्यू आए, अगर अच्छे व्यू आ गए तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, सबको कॉलेजेस का पता चल जाएगा। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं राजस्थान में, एंड ठीक है इनके अंदर एडमिशन होते हैं, इसके अंदर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, ये सीट डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कैटेगरी वाइज, कौन कितनी सीट ले सकता है, टोटल सीट कितनी है, VCI से कौन आ सकता है, मैनेजमेंट कितनी है, ठीक है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आराम से देख लो, ये सारे कॉलेजेस हैं, इसके अंदर आपका एडमिशन होगा, गवर्नमेंट में हो जाएगा अच्छे मार्क्स पे, कम नंबर आए तो प्राइवेट में हो जाएगा, सबकी फीस अलग अलग हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, कुछ कॉलेजेस में हमारी जानकारी है वहाँ पे आपका अच्छे बजट में करवा देंगे। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो गवर्नमेंट का, फर्स्ट टू थर्ड मतलब राजस्थान में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, मतलब ये मान के चलो आप थर्ड ईयर तक की आपकी फ़ीस होगी, मतलब फर्स्ट एक साल की 18,000, फोर्थ ईयर की सिर्फ आपकी 35,000 होगी, ऐसे होता है। पेमेंट सीट का जो आपको मैंने बताया था देखो 3 लाख पर ईयर, ठीक है, ये वाला सिस्टम है। और प्राइवेट कॉलेजेस का ये लिखा हुआ 5.5 लाख विदाउट हॉस्टल, मतलब जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, हॉस्टल हॉस्टल मिला के आपको डिग्री 30-40 तक की बन जाती है, 35 लाख 40 लाख तक। ये देखो लाइन से फीस स्ट्रक्चर है सभी कॉलेजेस का, जो जो आपको कॉलेज चाहिए, अरावली, महात्मा, अपोलो, MB RR जो भी कॉलेज हैं सभी का, NRI की फीस भी दी हुई है इसमें। एक और ऐड करना चाहूँगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये इसका भी स्क्रीनशॉट दे लो, मतलब आपका एडमिशन हो जाता है मान लो, उसके बाद दो काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, बट फिर भी ये आप स्क्रीनशॉट दे लो तो आपकी आपको ध्यान रहे हाँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको भी आप देख लो। तो देखो कोई एज पर लास्ट डेट तो मुझे पता नहीं चल रही है कि फॉर्म की क्या है, बट फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दो, अगर आपको पोर्टल दिख रहा है तो फिल कर दो, एंड आप मेरे को बता सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है, आपको कहाँ एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट मिल रहा है तो ठीक है, प्राइवेट में लेना है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना बहुत बच्चों तक क्योंकि पहुँच नहीं पाती है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।